बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आए हैं हीटन पार्क। आज हम आपको हीटन पार्क की सैर करवाएंगे। ये बहुत ही बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है, तो आए चलते हैं हीटन पार्क के अंदर। दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं एनिमल सेंटर की तरफ, क्योंकि एनिमल सेंटर ने जल्दी बंद हो जाना है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले एनिमल सेंटर का विज़िट किया जाए, फिर बाद में पार्क के दूसरे हिस्से का विज़िट किया जाएगा। दोस्तों, इसमें देखें क्या लिखा है। इसका नाम है हीटन हॉल, जो आपको पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है। आपको पता है ये कब तमीर की गई है? 1795 में। लेकिन ये देखें, इन्होंने इसकी हिफाजत की है और अभी भी नई की नई लग रही है। वाह, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि 1795 की है ये। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच गए हैं एनिमल सेंटर के बिल्कुल पास। अब हम आपको दिखाते हैं वलैती घोड़े ते खोते। जी दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वलैती खोते का, वलैती घर साढ़े आंगर का नहीं, लाइक साढ़े पाकिस्तान आंगर का नहीं, क्योंकि खोते बेचारे ने जो गली च रुलने वास्ते छड़ दिंदे ने, वास्ते बकायदा घर बनाया।
वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो गधों के लिए उन्होंने घर तैयार किया हुआ है जी, कि ये ठंड से बच सके और मौसम की जो हवाएं हैं बर्फ़ वगैरह से बच सके। भैया वेखो बलैती खोता भी पाकिस्तानी खोते आंगर जी, मत समझो कि इत्थे दा हो रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत। जी दोस्तों इस वक्त हम चलते चलते पहुंच गए हैं प्ले ग्राउंड की तरफ, यानी कि जहां पे बच्चों के इन्होंने खेलने के लिए जगह बनाई हुई है, तो अभी हम वो आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं जी एनिमल सेंटर के बिल्कुल बाहर, ये देखें जी। इसके अंदर मुख्तलिफ परिंदे और जानवर मौजूद हैं जी, आए चलते हैं अंदर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखे कितना खूबसूरत मोर है जी, मज़े कर रहा मज़े, ये उसका घर है जी। इनका नाम मुझे भी नहीं पता, बस आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी बतख का घर भी इन्होंने बनाया छोटा सा, बेचारी को अकेले अंदर रखा हुआ है। सो क्यूट। ये देखें दोस्तों देसी मुर्गे भी हैं जी, वो देखें बतखों के लिए इन्होंने पानी का इंतजाम भी किया हुआ है तैरने के लिए।
माशाल्लाह सुभानअल्लाह, कितना खूबसूरत मोर है। आप इसके पंख देखें, यानी कि पर देखें, ये वही पर है जो हम बचपन में किताबों में रखते थे। वाह सुभानअल्लाह। ये है जी पहाड़ी बकरा। इस मोर के काम चेक करो जी, ये छत पे चढ़ गया जी। ये है जी पिग्स। जी दोस्तों, अब हम जाने लगे हैं टनल के अंदर। बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा पार्क है। हमें खुद नहीं समझ आ रही कहाँ से हम अंदर आए और कहाँ से बाहर जाएंगे और किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाना है। दोस्तों बहुत ही बड़ा पार्क है, हमें डर है हम कहीं गुम ही ना हो जाएं, इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ घूम फिर रहे हैं जी। हम बोटिंग के लिए तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई बोट्स वगैरह मिल जाए और हम उसके ऊपर राइड करें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाना है और किस तरफ जाना है। अभी हम दूसरी तरफ आए हैं तो उधर भी एक प्लेग्राउंड मिल गया है बच्चों के खेलने की जगह, वो भी आपको दिखाता हूँ जी। जी दोस्तों फाइनली हम लेक साइड की तरफ पहुंच ही आए हैं।
जी दोस्तों, हम आए थे बोर्ड राइडिंग के लिए, लेकिन हमें इधर आके पता चला कि इसको ऑनलाइन बुक करवाना पड़ता है और इसका टाइम भी 5 बजे तक था, जो कि टाइम भी ख़त्म हो गया और हमने ऑनलाइन इसको बुक भी नहीं था करवाया, तो हम बोर्ड राइडिंग नहीं कर सकेंगे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से। हमने भी ट्राम में बैठना था, हमारी पार्किंग टाइम कम है, तो हमें एक पार्किंग की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें अपनी गाड़ी को निकालना पड़ेगा, वगरना हम भी ट्राम में राइड करते। बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा हो गया है। टाइम बहुत कम था, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, लेकिन जल्दी आएंगे और पूरा दिन इधर गुजारने की कोशिश करेंगे। जी दोस्तों, हम इस वक्त अभी भी हीटन पार्क के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत ही बड़ा पार्क है, हम इसको मुकम्मल तौर पे विज़िट नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला हम टाइम निकाल के नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे इधर। ये बहुत ही बड़ा है, आप एक दिन में इसका विज़िट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।